देश भर में 70 से ज्यादा जगहों पर इस वक्त NIA की छापेमारी चल रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ये रेट पड़ी है। यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश में भी NIA के छापे पड़े। गैंगस्टर्स और उनके सिंडिकेट के खिलाफ ये रेड है, ये शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। इसकी डिटेल्स अभी सामने आना बाकी है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी है वो ये है कि गैंगस्टर्स और इनके सिंडिकेट के खिलाफ ये रेड की जा रही है। 70 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम पहुंची हुई है और छापेमारी की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों में जिस तरह से कई ऐसी वारदात सामने आई हैं जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है, और गैंगस्टर्स को लेकर, गैंग वॉर को लेकर, और इनके तार किस तरह से विदेश से भी जुड़े हैं इसे लेकर, विदेशी फंडिंग को लेकर, कैसे ये लोग यहां पर फल फूल रहे हैं इसको लेकर NIA की लगातार नजर बनी हुई थी। पूरी एक लिस्ट तैयार की गई थी जिसके तहत अब तमाम राज्यों में ये छापे डाले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, 70 से ज्यादा जगहें आपको बता दें अलग अलग राज्यों की जहां पर ये रेड पड़ी है। और इसी के साथ ये भी पता लगाया जा रहा है कि कब से ये सक्रिय है और कैसे पूरा फाइनेंशियल एक्सेस इसका हो रहा था।